आज की मीटिंग मुख्य तौर पे तो दो आज के बिंदु थे। एक है कि जो सूर्यमुखी है वो कुछ किसानों के बिकनी पड़ी बाकी है, और उसमें जो 196 किसानों के करीब से करेक्शन होने वाले वो अभी तक नहीं हुई है, और कुछ किसान 55 किसानों के करीब रह गए हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है। और एक उसमें ठीक पॉइंट ये है कि खरीद 15 तारीख तक बढ़ा दी है। तो इस सारे कुछ को देखते हुए हमने इसके बारे सारा फैसला लेके ये किया है कि 14 तारीख को दोबारा फिर मीटिंग रखनी है, कि 14 तारीख तक अगर हमें पता चल जाएगा कि सारे के नाम आ गए हैं, सारे करेक्शन होगी और सारी बिकी है कि नहीं बिकी है, और अगर कुछ कसर रहती है तो फिर 14 को स्पेश कर दिया जाएगा। जो मुद्दा था वो है जो 3 अध्यादेश सरकार ने जारी किए हैं डीजल की कीमतों को लेकर, और उसके अलावा जो बिजली प्राइवेट कर रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर जो है वो 20 तारीख को हम प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो 3 अध्यादेश इन्होंने जारी किए हैं उसमें बिल्कुल देश का किसान भी, देश का मजदूर और देश का आम नागरिक, मैं ये कहूँगा कि आम नागरिक के ऊपर बड़ा भारी बोझ पड़ने वाला है। एक तरह से कारपोरेट का गुलाम देश को बना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो अनाज को, खाने वाले तेल को, आलू को, प्याज को, दालों को इन्होंने जरूरी वस्तुओं के नियम से बाहर कर दिया है, और उसका साथ ये भी कर दिया है कि कोई व्यापारी कितना ही बड़ा उसका स्टॉक कर ले, मान लिया अगर पूरे देश का आलू अडानी खरीद के रख लेता है, अगर पूरे देश का गेहूं अडानी खरीद के रख लेता है, तो फिर वो उसको रोक के और बाज़ार में नकली शॉर्टेज दिखा के जिस रेट में मर्जी बेचेंगे वो, और हमारे देश की गरीब जनता है, हमारे देश की गरीब जनता को भूखा मार दे, ये पोजीशन आई। दूसरा उन्होंने ये कर दिया है कि मंडी के बाहर से व्यापारी कहीं से भी खरीद सकता है, पहले मंडी के बाहर से नहीं खरीद सकता था। सर छोटू राव ने किसानों की लुटाई को देखते हुए मंडियाँ बढ़ाई थी कि हर व्यापारी को मंडी में ही जाना पड़े, और जब वो मंडी से ही खरीदेगा वो सरकार के नोटिस में होगा कि किस भाव खरीदी, वो वहाँ पर कंपिटिशन होगा, दूसरे किसानों को पता चलेगा कि आज क्या भाव चल रहा है, वहाँ पे 20 व्यापारी इकट्ठे होकर बोली देंगे, और अगर वो पूर्ण करण के मुकाबले में हेफड़ खड़ी किया था, हेफड़ खड़ा किया था पंजाब में, तो सरकारी बीज संस्था खड़ी की व्यापारिक संस्था के बोल मुकाबले में बोली। अब वो सारा चीज़ ध्वस्त हो जाएगा जब वो बाहर खरीदेंगे, हमें नहीं पता मार्केट का रेट क्या है, वो बहुत से किसानों को लूटेंगे, और ये भी कर सकते हैं जो एक बड़ा खतरा है कि वो 2 साल तक 1 साल तक हमें ज़्यादा भाव दे दें, क्योंकि उसका 6.5% मंडी का खर्च पड़ेगा, बचेगा हरियाणा से अगर वो खरीदते हैं, तो वो किसान को 150 रुपये का लालच दे दें और सारा माल उनके पास चला जाए, और फिर 2 साल बाद जब मंडियाँ ख़त्म हो जाए, जब मंडियाँ टूट जाएँ, फिर वो 500 रुपये नीचे कर, तो हम उनके क्या कर देंगे, हमारे पास कौन सी जगह होगी जहाँ जाके हम लड़ेंगे, हमारे पास कौन सा मंच होगा जहाँ जाके हम कहेंगे ये हमारी गेहूँ पर खरीदिए, वो सब चीज़ खत्म हो जाएगी। और कितने इसमें आड़तियों के तो सिर पर नंगी तलवार अभी लटक गई है, जितने आड़ती है, मुनीम है, वो तो 2 साल में सारा समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो बहुत बड़ा खतरा जो सामने नज़र आ रहा है, किसान भी उसमें ख़त्म है और ये भी ख़त्म है, लेकिन बहुत बड़ा खतरा जो नज़र आ रहा है वो ये है कि अगर वो लोग ब्लैक मेलिंग पर उतर आए, अगर आप 3 साल पहले की बात करें, 4 साल पहले की, जो महाराष्ट्र की सरकार ने दालों के स्टॉक से स्टॉक सीमा हटाई थी, और उसमें चंद व्यापारियों ने पूरे देश की दाल को स्टॉक कर लिया था, और वही 50 रुपये वाली दाल 200 रुपये किलो बेची थी, क्या भविष्य में ऐसा नहीं होगा? हो सकता है जैसे 2008 में गेहूं की कमी आई थी, अगर वो गेहूं व्यापारियों के अंडर होता उस वक्त तो देश को भूखा मार देते। स्टॉक सीमा इसीलिए लगाई गई थी कि ये उस पर ब्लैक ना हो, लेकिन वो भी तोड़ दी, तो ये तो पूरे देश की जनता के ऊपर आफत है। और हम रिक्वेस्ट करते हैं सारे देश की राजनीतिक पार्टियों से, सारे देश के जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे, सारे देश के आड़तियों से, सारे देश के आम जनता से, बाजार वालों से, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये देश पर आफत है, देश को कारपोरेट का गुलाम बना रहे हैं। जिस देश को शहीद भगत सिंह जैसो ने अपनी जाने दे के आज़ाद कराया था, वो तो अंग्रेज थे, अंग्रेजों में तो कहीं लिहाज होगी, लेकिन कारपोरेट में कहीं लिहाज नहीं होती, वो केवल और केवल मुनाफा ही देखते हैं, और मुनाफा जो है वो दूसरे की जेब से कुछ निकलता है तो मुनाफा होता है, और यहाँ की जनता गरीब, अगर गरीब की जेब से और निकले, उसको और निचोड़ दिया जाए, तो
ये देश के लिए एक आर्थिक गुलामी है, इस पर सारे देश में इतना हो जाता है। तो हम प्रदर्शन करेंगे, सभी ट्रैक्टरों पे काले झंडे लगाएंगे और अपना जो जहाँ भी कोई नज़दीक SDM या तहसीलदार जो भी नज़दीक है वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। और उसके लिए भी हमने 8 टीमें बना दी हैं, शाहबाद में भी आज 5 टीमें बना के अलग अलग एरिया को बांट के दे दिया है ताकि बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा सके। और मैं भी जो है वो कल से लेके अलग अलग जिलों में मीटिंग कर रहा हूँ, कल से लेकर 15-30 तक लगातार का प्रोग्राम बाकी जिलों में रहेंगे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा और कोरोना का भी ध्यान रखा जाएगा कि कोरोना के टाइम में आज के टाइम में बहुत एक जगह भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम अलग अलग तहसील पर प्रदर्शन करेंगे, ट्रैक्टरों पर आएंगे और उसमें डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेंगे, मास्क का भी ध्यान रखेंगे, वो भी लोगों को साथ के साथ जागरूक करेंगे।